आप सभी लोगों को सरप्राइज लग रहा होगा ना, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार नहीं हुआ, जिम में ओपनिंग नहीं हुई, बट हम उस तरह का कंटेंट काफ़ी बना रहे हैं। बट आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नॉर्मल व्लॉग शूट कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि व्लॉग शूट करो, और मुझे नहीं आता एक्चुअली कैसे करते हैं, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। देखने के बाद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको व्लॉग। आई एम हैविंग माई लंच कर रहा हूँ अब। इसके दो घंटे बाद मैं अपनी वर्कआउट करूँगा। आज हम करेंगे बाइसेप्स ट्रेन, और जो कि आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। उसके अलावा भी मैं ट्राई करूँगा कि हम जाएंगे एंड देन मैं थोड़ा कार्डियो कहाँ करता हूँ वो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊँगा। और अगम भी बोल रहा था मुझे भी व्लॉग में आना है। अगम तो मुझे हेलो मत बोलो, वहाँ जनता को हेलो। इसको बहुत व्लॉग में आने का शौक है, मुझे भी लो व्लॉग में, कि तेरे को एक्टर बनना है क्या? दांत आए, दांत टूट गया तेरे अभी से हैं, तो हेलो बोल दे बस एक बार सबको। हेलो सब लोग, तो मिलते हैं हम खाने के बाद। तो मैं रेडी हो चुका हूँ जिम जाने के लिए। 5 बज चुके हैं। वैसे मैं दिन में 2 बार जिम जाता था, बट आजकल एक ही टाइम जाता हूँ शाम को, क्योंकि कोविड का टाइम है। मैं कार्डियो यहीं कर लेता हूँ, सुबह उठ के साइकिल है एक अपने पास, और अगर कभी साइकिल करने का मन नहीं होता तो मैं नीचे सोसाइटी में वॉक कर लेता हूँ। ओए क्या तुम फिर आ गए ब्लॉग में? मैं आ गया। कितना आना है तुम्हें? मैं तुम एक काम करो ना, तुम अपने ही एक ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर दो। नहीं, मैं नहीं करूँगा। क्यों? अब शाय क्यों फील कर रहे हो इधर कैमरे में? तो तुम अपना ही शुरू कर दो। नहीं, है? नहीं? जब 18 ईयर्स के हो जाओगे ना तब अपना एक ब्लॉगिंग चैनल बना सकते हो, इंस्टाग्राम बना सकते हो, तब तक नहीं। ठीक है, अभी यू आर जस्ट 7 ईयर्स। कितने साल हैं भी ये और आपके पास? 11 ईयर्स मोर। ठीक है, पता नहीं आप सभी लोगों के यहाँ जिम खुले हैं नहीं खुले हैं, बट हरियाणा में टचवुड जिम खुल चुके हैं। बड़ी वर्कआउट देता हूँ। ऐसा आप सभी लोगों को बताया कि मुझे कोविड हो गया था, बट अब थैंकफुली रिकवर कर चुका हूँ कोविड से। थोड़ा मसल मास कम हो गया है। दीदी कैसी हो? कैमरा फिट किया हुआ है सच्ची। हाँ, बॉडी ठीक है मेरी? बॉडी एक सेल्फी उठाना है। हाँ। आशीर्वाद देते रह करो, तो इनसे मैं रोज आशीर्वाद लेके जाता हूँ। चलो बाय। तो मैं इस रेड लाइट पे दो लोगों से, एक भैया हैं जो हमेशा यहाँ पे ना बुक्स बेचते रहते हैं, तो ऐसे पता नहीं शीशा उतार के कोई इनसे बात करता भी होगा या नहीं करता होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शीशा उतार के एटलीस्ट इनसे बात तो करूँ। वो मुझे इन्फोर्स करते रहते हैं भैया को किताब, मैंने कहा यार मैं किताब ही नहीं पढ़ता, तो इनफैक्ट ऐसे ही पूछ लिया मैंने। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस रेड लाइट पे पिछले 14 साल से किताबें बेच रहे हैं, और गाजियाबाद से आते हैं रोज। मतलब गाजियाबाद से रोज यहाँ आना, मतलब कैसे ही करते होंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो थोड़ा मेरा मसल मास कम हो गया, बट एज आप सभी लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो ये मेरा 21वां साल है एक्सरसाइज का, और मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि एक्सरसाइज ना छूटे, करता रहता हूँ। मतलब चाहे थोड़ी ज़्यादा, मतलब चाहे ज़रूरी नहीं है हमेशा हैवी करना। तो आज हम बाइसेप्स ट्रेन करने वाले हैं, सिर्फ ट्राइसेप भी करने थे, बट मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी डाली थी जिसमें मैं डॉक्टर के पास गया था, तो एक्चुअली उसका जाने का रीज़न यही था कि मेरा ट्राइसेप मसल जो है वो थोड़ा टेयर हो गया था लाइन ट्राइसेप करते हुए लास्ट टू लास्ट वीक। तो आज मैं ट्राइसेप्स नहीं करूंगा, सिर्फ बाइसेप्स करूंगा। और हमने एक चेस्ट का व्लॉग बनाया था, एक बैक का व्लॉग बनाया था, तो इसी तरह से आज एक बाइसेप्स में भी आपके साथ थोड़ा शेयर करते हैं ट्रेनिंग कैसे करते हैं। और मेरे घर से जिम जाने में 15 मिनट के आसपास लगते हैं मुझे लकीली, और मैं
खुश नसीब हूँ कि अपना ही जिम है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब आपका खुद का जिम हो। पिताजी तो अक्सर कहा करते थे कि यार ये फिटनेस में क्या करोगे तुम, मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, अपना जिम खोल लेंगे। तो आज मैं आपको, वैसे तो जिम आप सभी लोगों ने देखा ही है, जिस जिम में मैं अधिकतर शूट करता हूँ वो वाइट जिम है, मतलब बेसिकली वहाँ की वाइट मशीनें हैं। तो मेरा शुरू से ही ये ड्रीम था कि यार जब भी मैं कोई अपना एक अच्छा सा जिम खोलूंगा ना, तो पिताजी अक्सर पूछ लिया करते थे भाई क्यों खोलोगे जिम, तो कभी ऐसा नहीं था कि पैसे कमाने हैं। मैंने कहा लोग आएंगे, अच्छा सा एनवायरनमेंट होगा, लोगों को ट्रेन करूंगा। ट्रेन करने का भी बहुत शौक था, अब समय नहीं मिलता ट्रेन करने का, देखो टाइम कैसे बदल जाता है। बट तब एक ड्रीम था कि यार अपना एक अच्छा सा वाइट कलर का जिम, तो कोशिश की है हमने एम फिट जिम को वाइट रखने की। और थैंकफुली कोविड में भी जिम बंद रहे, खुले फिर बंद हुए, अब फिर खुले हैं। संघर्ष है थोड़ा बट मैनेज हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं जिम में, 5:53 हो चुके हैं, यानी आने में लगे 15-20 मिनट थोड़ा जिम देखना। और ये इस जिम की सबसे फेवरेट वॉल है मेरी, और मेरी फेवरेट होने का तो रीज़न भी होना चाहिए ना, अच्छा लगता है देख के ना, नाइस। चलो बाइसेप्स ट्रेन करते हैं। तो मेन सेट पे जाने से पहले मैं थोड़ा लाइट वेट से एक 15-15 रेपिटेशन कर रहा हूँ, सो दैट मसल अच्छे से पंप हो जाए। तो वार्म अप के बाद मैं अपना पहला सेट करूँगा जो कि मेरा होगा प्रिपरेशन सेट, बिल्कुल लाइट वेट 10-12 रेपिटेशन। सेकेंड सेट जो मेरा होगा वो मेरा होगा मॉडरेट वेट से, अगेन 10-12 रेपिटेशन। दो मैं करूँगा हैवी 10-12, बट मैं ड्रॉप सेट भी कर सकता हूँ उसमें। तो मीन्स हम टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो करेंगे वो करेंगे 4। तो ये मेरा प्रिपरेशन सेट है, 10-10 किलो है डंबल, 10-12 रेपिटेशन। बस बाइसेप्स आपको करते हुए ध्यान रखना है, मसल को टारगेट करना है, स्क्वीज करते रहो। तो कंसिस्टेंटली वर्कआउट करना ज़रूरी है। तो मैं ये 17.5 का डंबल है, मैं 10-10 रेपिटेशन कर पाया हूँ, बट अभी दो सेट और बचे हैं,
तो मैं वेट बढ़ा के ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो चौक से थोड़ा वेट को होल्ड करने में हेल्प मिल जाती है। तो मैं अपना सेकेंड लास्ट सेट कर रहा हूँ 20-20 से। छे कर लिए, थोड़ा वेट ड्रॉप करके मैं तुरंत करूँगा और मैं लूँगा अब 12:30। डंबल कर्ल का मैं अब लास्ट सेट कर रहा हूँ। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था, मैंने 20 केजी से किया था और ड्रॉप सेट मींस हैवी के बाद कम से कर लिया था, बट मैं अब यहाँ पे और वेट बढ़ा रहा हूँ। ये भी मैं ड्रॉप सेट करूँगा, 25 किलो से स्टार्ट करूँगा, देन ड्रॉप करूँगा एंड देन ड्रॉप करूँगा, मींस 2 बार वेट यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। और आप लोग भी अगर अपना लास्ट सेट कर रहे हो जो कि सुपर हैवी है, तो उसमें आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो, तो मैं भी यहाँ पे हेल्प लूँगा, ठीक है, हल्की आराम से, बस इतनी। बट आपको कोशिश करनी है ना के बराबर हेल्प। गुड, आराम से और नीचे आते हुए आपको वेट कंट्रोल करना है। जैसे कि आपने देखा, मैंने 6 रेपिटेशन कर लिए, अब मैं थोड़ा वेट कम करूंगा 15-15 और फिर फेलियर करूंगा। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज करूंगा बारबल कर्ल, जिसमें मैं जब
वार्म अप या प्रिपरेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा हैवी पे जा सकता हूँ। 3 सेट सेम 10 रेपिटेशन। तो मैं अब बारबल कर्ल थोड़ा बेल्ट बांध के करूँगा। लास्ट टाइम थोड़ा हैवी स्क्वाट किया था तो तब से थोड़ा सा लोअर बैक में स्ट्रेन है। आप सभी लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, थोड़ा वर्कआउट सेफ्टी के साथ किया करो। और मैं, जैसे कि आप वेट देख रहे हो, मैंने 10-10 किलो वेट डाल दिया है, तो शुरू से ही थोड़ा हैवी करूँगा। ठीक है, बस आपको एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज़्यादा आगे पीछे झुकना नहीं है, बाइसेप से स्ट्रेंथ लगानी है। लेफ्ट बार नीचे स्लो आए, बस कंट्रोल होना चाहिए आपका। 4 5 7 8 9 10। जैसे कि मैंने बोला था 10 रेपिटेशन तो मिनिमम करने ही है, तो कर लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वेट बढ़ाऊँ, अगर मुझे लग रहा है कि मैं इससे अच्छा मसल में कॉन्ट्रैक्ट फील कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है वेट बढ़ाने की। बट अगर लेट्स से बहुत इजी हो रहा है मेरे लिए करना, तो मैं थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा दूंगा, बट मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो ये आपकी चॉइस है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जर्क ले रहे हो, वेट घटाओ, और अगर आपको लगता है कि आपने 10 इजीली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके कर लिए, देन यू कैन इंक्रीज वेट। दूसरा सेट में भी और तीसरे में भी हमारा 10 रेपिटेशन का टारगेट रहेगा। लेट्स डू इट। सेकेंड सेट, तो हमारा लास्ट सेट रह गया और हम वही 10-10 रेपिटेशन कर रहे हैं। तो मैं वेट नहीं बढ़ा रहा क्योंकि मुझे लगता है फोकस ज़्यादा मैटर करता है। छोटा मसल है तो उसको पूरा स्क्वीज़ कर करके ट्रेन करना जो है वो एक बहुत अच्छा आइडिया है, रेदर देन लिफ्टिंग हैवी, ट्रेन स्मार्ट। लेट्स डू इट। लास्ट सेट, 10 रेपिटेशन। स्क्वीज एंड स्लो। सेवन एट कम ऑन 9 12 करते हैं। टू मोर गो। आप लोग करते रहो, कोई इशू नहीं। लोग भी बोलेंगे ये अपने ब्लॉग बनाने के चक्कर में हमें डिस्टर्ब करता रहता है, क्योंकि म्यूज़िक बंद करना पड़ता है ना, तो खुद को अच्छा नहीं लगता। बट नेक्स्ट टाइम हम खाली जिम में करेंगे, रात को आना पड़ेगा, बट थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप सभी लोगों के लिए वो मैं एक्स्ट्रा मेहनत भी कर सकता हूँ, क्योंकि बजट हमारा चाहे कम हो कोई दिक्कत नहीं है। था 3 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आज भी ये तार वाले माइक हम यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट फैंसी, इट्स अबाउट द रियलिटी।
तो कम बजट में भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हमेशा लोग जिनकी अच्छी फिजिक होती है उनको देख के यही सोचते हैं दो चीज़ें, यार ये तो अफोर्ड कर सकते हैं, बट आई थिंक सप्लीमेंट से ज़्यादा, डाइट से ज़्यादा, हार्डवर्क से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप थोड़ा थोड़ा खाओ बट रोज़ खाओ। और मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच जिस तरीके से आप चैनल को प्यार दे रहे हो। सच में हमारी टीम ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी। थैंक यू सो मच। और इस व्लॉग को भी आप इसी तरीके का प्यार दें और बताएं फिर इन फ्यूचर में, वी आर प्लानिंग टू कि हम कुछ व्लॉगिंग भी करें थोड़ी थोड़ी, बट नॉट अबाउट ऑल द टाइम एक्सरसाइज की, डिफरेंट। थर्ड एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ बट आप इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हो। मॉडरेट वेट है, 10-10 रेपिटेशन करेंगे 3 सेट्स। बस इसमें यह है कि आप करते हुए दूसरे हाथ से हेल्प भी ले सकते हो, तो आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टारगेट करना है अपनी पीक को, जितना मैक्सिमम आप स्क्वीज कर पाओगे। मॉडरेट वेट है, अच्छा वेट है। मतलब इस वेट की खासियत यह है कि मैं इससे ना प्रॉपर स्क्वीज कर पा रहा हूँ। आई थिंक मैं अगर वेट बढ़ाऊँगा तो वो मैं स्क्वीज़ नहीं कर पाऊँगा, तो पर्पस हल नहीं हो पाएगा। तो जॉइंट को फटीक नहीं करना, मसल को फटीक करना है। दूसरा सेट भी इसी से करेंगे और फिर तीसरा भी इसी से करेंगे। और ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, जैसे कि हमने पहली एक्सरसाइज के 4 सेट किए, दूसरी के 3, इसके भी करेंगे 3, तो 4 और 3 7 और 3 10। इसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज होगी उसके 2 ही सेट करेंगे, क्योंकि 12 से 14 सेट जैसे मैंने आपको बोला इज मोर देन इनफ। जैसे 10 हो गए चेंज, लोग हमेशा पूछते हैं भैया कोई वे प्रोटीन बताओ अच्छा पीने के लिए, बट मैं उन सभी लोगों को बोलता हूँ सिर्फ एक बॉक्स वे प्रोटीन का लेके उसको पीने से फिजीक नहीं बनती। इट्स ऑल अबाउट योर डाइट, एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, बहुत चीज़ें हैं। आई एम श्योर आप जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे कि जितने भी शॉर्टकट अगर आप लेके बॉडी बनाओगे वो बॉडी जल्दी ढल जाएगी, और जिन लोगों का पर्पस नहीं है कॉम्पीट करना, कॉम्पिटिशन खेलना, वो शॉर्टकट से दूर रहें। और जिनको कॉम्पिटिशन खेलना ही है मेरे जैसों को, वो फिर किसी के अंडर ट्रेन करते हैं और पूरी गाइडेंस के साथ कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा सेट करते हैं। Ugh.
दस बाइसेप्स थोड़ा पंप हो गया बट उतना अभी उतनी फॉर्म में नहीं हूँ जितनी फॉर्म में मैं यूजुअली रहा करता था, बट वही 1.5-2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड जिम बंद हुए, वर्कआउट नहीं कर पाए, फिर खुले, फिर भी उस इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं कर पाए, फिर बंद हो गए। बट हाँ, 2 साल में मैंने फिजीक को मेंटेन रखा है। सो बनना एक अलग बात है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप सभी लोग भी अगर मेंटेन भी कर पा रहे हो वो भी बहुत अच्छी बात है। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, डंबल हैमर 2 सेट डन। साढ़े 12 कितने एरा। सो हैमर करेंगे, अपने अपने पर तरीके हैं सबके करने के। सो बाइसेप पंप हो गया यार, ठीक ठाक हो गया। तो आप ऐसे करो, ठीक है, या अंदर ले जाओ, इट्स मोर ओवर द सेम थिंग, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, टारगेट है 10 रेपिटेशन। 3-4 मीडियम वेट है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 7, 8, लेफ्ट हैंड थोड़ा वीक है, सभी का होता है। 10 चल, तो दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो। सो लास्ट सेट बस एक और हैमर का रह गया। बट जब भी आप बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो अगर अलोन, तो 40 मिनट के आसपास आपकी वर्कआउट खत्म हो जानी चाहिए। सो लास्ट सेट करेंगे, वाहेगुरु। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों में से कोई भी तरीके से करो। क्यू 3-4-5 चले, 6-7-7 3-8 बिना हेल्प 9 संघर्ष, जीवन संघर्ष। एक्सरसाइज होगी खत्म, 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे, प्रोटीन पियेंगे और घर जाएंगे, क्योंकि आज है सैटरडे। थोड़ा गम के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, 7:15 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बातें भी कर रहा था ना। उसी बॉटल में पानी, उसी में प्रोटीन। 8 देख रहे हो आप, ये भी कला है, ये कला 20 साल एक्सरसाइज करने के बाद ही आती है। एक नीचे नहीं गिरने देंगे, प्रोटीन जान से ज़्यादा प्यारा। और एक्सरसाइज के बाद जो कहते हैं ना, 3 स्कूप प्रोटीन। अब इसका ढक्कन ढूंढो, अरे यार कोई ज़रूरत नहीं है, 1 स्कूप प्रोटीन बहुत होता है, 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और मैं इसके साथ कार्बोहाइड्रेट अभी नहीं खाऊंगा, जस्ट आधे घंटे बाद घर जाके खाऊंगा। अब ये देखने के बाद ना मुझे बहुत सारे लोग शेकर भेजने लग जाएंगे, भैया शेकर मैं पिया करो, अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता, सब अच्छा है।
बॉडी बिल्डिंग करता था ठीक, जब से कंटेंट बनाने के उसमें आया हूँ ना तब से सोच विचार करना पड़ता है। अभी जैसे अब एक ब्रांड शूट करना है, अब सुबह भी एक ब्रांड शूट किया है, उसके बाद ये ब्लॉग, अब फिर ब्रांड शूट, तो कई बार डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक जो लोग कंटेंट बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, उनको सबको ये प्रॉब्लम होती होगी। हफ्ते में 2 से 3 दिन तो कंटेंट बनाने में निकल जाते हैं, दैट टू फिर अपनी फिजिक को मेंटेन रखो, फिर जिम, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड और 2-4 मेरे छोटे मोटे बिजनेस हैं उनको भी देखना, तो कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं कंसिस्टेंटली 2 साल से तो कंटेंट बना रहा हूँ, टचवुड, हर फ्राइडे शाम को 6 बजे वीडियो आ जाती है, एंड देन थर्सडे को एक्सरसाइजर पे भी 6 बजे वीडियो आ जाती है, जो अपना सेकेंड फीमेल चैनल है, और पता नहीं कैसे वो गॉड ग्रेस कंसिस्टेंसी मेंटेन है, थैंक्स टू द टीम। ऐसी इसी तरह अगर हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रही, मुझे बस इस चैनल को वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल बनाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये सुना है मैंने कि यार यूट्यूब का कंटेंट बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, तो इसीलिए उतने सब्सक्राइबर, उतने व्यूज़ नहीं आते, बट ऐसा नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे इस बात को गलत साबित करने में कि फिटनेस में भी अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, लॉजिक वाला, तो देखने वाले लोग हैं, देखने वाली जनता है, क्योंकि आई थिंक सबको फिट रहना, सुंदर दिखना पसंद है। तो मेरी बात गलत मत होने देना, ठीक है? चलो, सी यू, बाय, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे। प्रोटीन ख़त्म हो गया, एक स्कूप में कुछ भी नहीं बना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगम के लिए कमेंट कर देना, थोड़े जान खा जाएगा वरना।